हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरी सर क्लासेस एंड वंस अगेन यू आर वेलकम हियर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जो फ्रेजल वर्ब्स को लेकर रहेगी। ये फ्रेजल वर्ब्स पार्ट टू है। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्रोवर्ब के बारे में जानते हैं जो कि आपके सामने है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आप जो एक्शन करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ना कि आप बोलकर किसी को किसी चीज़ के बारे में बताएं। इसीलिए अपना मुंह बंद कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने एक्शन से दिखाइएगा कि यू कैन डू एनीथिंग। आप भी एक अच्छी सी जॉब अचीव कर सकते हैं, बस अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम फ्रेजल वर्ब जानते हैं, क्योंकि ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्लोज टेस्ट की तैयारी करते हैं या फिर फिलअप्स की तैयारी करते हैं तो फिर से आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल जाती हैं और तब आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने एक दो नंबर गवा बैठते हैं। इसीलिए चलिए हम इस वीडियो के द्वारा कुछ फ्रेजल वर्ब कवर करते हैं। बाकी मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिनमें हम बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स टाइम टू टाइम कवर करेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूँ कि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। जब वीडियो आप पूरी पढ़ लें तो वो आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आप इन सबको कवर कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CGL के कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हम सारे के सारे कंटेंट को 80% को हम रिपीटेड देखते हैं, इसलिए रिपीटेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहली फ्रेजल वर्ब हमारी गिव वे है। हम दो फ्रेजल वर्ब याद करेंगे गिव से, एक गिव वे एंड गिव अवे। गिव वे का मतलब होता है ढह जाना या झुक जाना। दो मीनिंग ये कैरी करता है। सबसे पहला मीनिंग है जो कोलास वाला, आप उसे याद रखिएगा भले ही दूसरा वाला नहीं हो जाए, क्योंकि गिव वे का मतलब होता है ढह जाना। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, गिव माने देना, वे माने रास्ता। तो रास्ते में आप जाते हो तो रास्ता टूटा फूटा सा है, तो मतलब रास्ता टूटा फूटा है, इससे याद रखेंगे गिव वे। गिव वे मतलब ढह जाना, रास्ता टूटा फूटा है, वे मतलब रास्ता और गिव मतलब देना। तो आप गए और रास्ते में आपने देखा कि रास्ता टूटा फूटा है, दैट इज गिव वे। क्योंकि ये लिंक आपको गिव अवे को याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होगी, क्योंकि आप देखिएगा गिव का मतलब तो देना है, लेकिन अवे का मतलब क्या होगा? अवे का मतलब होता है दूर, क्योंकि अवे का हिंदी मीनिंग होता है दूर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मतलब दिया है लेकिन दूर कर दिया, तो देते हुए दूर कर दिया, मतलब किसी को चीज़ फ्री में दे दी, बांट दी, इस तरह का इसमें सेंस आएगा। तो पहला गिव वे, गिव वे का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को देना, मतलब रास्ता, जिसमें इसमें चूंकि वे आ रहा है तो वे मतलब रास्ता, और रास्ता कैसा है? टूटा फूटा है, या फिर झुक जाना। दूसरा मीनिंग गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है बांटना, मतलब एक तो होगा इसका मीनिंग गिव फ्रीली, यानी कि फ्रीली किसी चीज़ को देना। दूसरा होता है राजवलना, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट, तो सीक्रेट रिवील करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। आप लिंक पे ध्यान दीजिएगा, अवे मतलब दूर करना, दूर करना मतलब बांटना। तो दोनों याद रखिएगा, गिव वे एंड गिव अवे। मैं एक और फ्रेजल वर्ब बता देता हूँ, गिव आउट। गिव आउट का भी यही मीनिंग निकलता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसका मीनिंग फ्री में नहीं देना होता लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटने के सेंस में उसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने दो फ्रेजल वर्ब और तीसरी गिव आउट भी हमने याद की। आप नोट्स बनाइएगा और इन सब को याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं, जैसे कि है एक लुक साफ और एक और जो आपके सामने आएगी अभी। अभी पहले इस पर बात कर लेते हैं, लुक साफ का मतलब क्या होता है। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये idiom फ्रेज है। लुक साफ का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी कि जब हम किसी की तरफ तेजी निगाहों से देखते हैं, दैट इज लुक साफ, यानी कि हम किसी पर चौकसी करते हैं, निगरानी रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला जो idiom फ्रेज है, ब्लैकआउट, ये भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये idiom फ्रेज है। तो idiom फ्रेज इसका ब्लैकआउट का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि चारों ओर ब्लैक ब्लैक छा गया है, और ब्लैक ब्लैक छा गया इसका मतलब बेहोशी, यानी कि अगर आपको किसी ने जम के पीटा और आपके सामने बेहोशी हो गई तो आपको क्या दिखेगा? साथ चारों तरफ ब्लैक ब्लैक दिखेगा, ब्लैक आउट। मतलब आउट में क्या है? ब्लैक है, पूरा काला है, तो अगर जब आउट में काला है तो आप उसे ब्लैक आउट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला फ्रेजल वर्ब दो हैं, टेक आफ्टर एंड लुक आफ्टर। दोनों में आफ्टर आ रहा है, हालांकि आफ्टर से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, मैं एक एक करके उन सबको याद कराऊंगा अगली अगली वीडियो में, वो आते रहेंगे। जैसे जैसे वो इम्पोर्टेंस उनकी कम होती जाएगी वैसे वैसे मैं और लेता जाऊंगा, लेकिन इसमें हम दोनों को कवर करते हैं, टेक आफ्टर एंड लुक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, सदृश्य होना, जबकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। चलिए हम टेक आफ्टर को कवर करते हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू लुक लाइक या रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब भी होता है लुक लाइक, की तरह दिखना। शी रिसेंबल लाइक हर मदर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का याद रखिएगा, रिसेंबल का मतलब होता है लुक लाइक,
रिसेंबल का मतलब लुक लाइक, इसीलिए रिसेंबल अपने साथ में लाइक नहीं लेता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर रिसेंबल के साथ लाइक लगा है तो वो आपका एरर रहेगा, रिसेंबल के साथ लाइक का यूज मत कीजिएगा। जबकि दूसरा होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना टू क्योर करना। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, पेरेंट्स आपकी देखभाल कर रहे हैं आजकल, तो जो देखभाल करने के लिए होता है टू किसी को क्योर करने के लिए होता है, उसके लिए हम लुक आफ्टर यूज करेंगे। आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, आई विल लुक आफ्टर माई पेरेंट्स आफ्टर गेटिंग दिस जॉब, मतलब मुझे ये जॉब मिल जाएगी इसके बाद मैं अपने माता पिता को लुक आफ्टर करूँगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो तो समझ में आ रही होगी, मतलब idiom phrases नहीं है, ये phrasal verbs हैं, बहुत शानदार phrasal verbs हैं, सब की सब कॉमन phrasal verbs हैं। मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई आपको फंसेगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी कवर कीजिएगा, उसमें मैंने और भी जनरल phrasal verbs पढ़ाए हैं। दोस्तों मैं इन 10 वीडियोस के अंदर phrasal verbs जो पढ़ाऊँगा वो बहुत ही कॉमन रहेंगे, इसीलिए ध्यान से एक भी आपको छूटना नहीं चाहिए। सबके नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला phrasal verb हम देखते हैं, स्टेप ऑफ। बहुत ही प्यारा वर्ड है और phrasal verb है, और इसका मतलब होता है बचना, टालना, दूरी बनाना। जैसे कि आप खाने से, जंक फूड से दूरी बनाते हो तो उसके लिए आप कर सकते हो। मीनिंग देखिएगा, टू अवॉइड, टू सन, सन का मतलब भी टालना, टू फेंड और टू वार्ड। और कुछ phrasal verb के मीनिंग देखिएगा, जैसे टू वार्ड ऑफ, टू बीट ऑफ, टू फेंड ऑफ, फाइट साई ऑफ, ये चारों के चारों, इन सब का मतलब भी होता है किसी से दूरी बनाना। जैसे शी मैनेज टू स्टेप ऑफ इन्वेडर, यानी कि उसने, इन्वेडर कौन होते हैं, जो घर में घुस जाते हैं, हमला करते हैं, इन्वेडर्स होते हैं, तो इन्वेडर्स से उसने दूरी बनाना मतलब मैनेज किया। तो इस तरह से आप इससे समझिएगा कि दूरी बनाने के सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, ड्रेन अवे। ड्रेन अवे का मतलब होता है, देखो ड्रेन अवे का ऐसे समझिएगा, ड्रेन मतलब होता है नाली, और नाली में कोई चीज़ बह गई, दूर हो गई, अवे मतलब दूर हो गई, यानी कि वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, तो इसलिए समझिएगा ड्रेन अवे मतलब नष्ट हो जाना, डिसअपियर कम्प्लीटली। ड्विंडल माने कम होना, वेन माने घटना, रिसीड माने कम होना, रिमिट माने और फेज डाउन माने भी कम होना। तो कम होना, नष्ट होना, गायब होना, इसके सेंस में हम ड्रेन अवे का यूज़ करेंगे। लिंक मैंने आपको बताई दी, ड्रेन मतलब होता है नाली या फिर नाला, और अवे मतलब दूर, तो नाली में बहते हुए कोई चीज़ दूर चली गई, दैट इज ड्रेन अवे। ओके दोस्तों, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन ये पूरा phrasal verb नहीं है, म्यूज अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, लेकिन इसके साथ हम preposition on यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इसे पूरा लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है कहानी। कहानी इस तरह से है कि हम म्यूज ऑन को इकट्ठा यूज करेंगे। तो मीनिंग इसका होता है, टू थिंक केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अराउंड गलत लिखा है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसी चीज़ पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जैसे कि हम किसी की ओर देखकर बस सोचे जा रहे हैं, अरे ऐसा है वैसा है अपने पास्ट के बारे में, तो वो सब म्यूजन है। शी लुक आउट एट द सी एंड वो समुद्र की तरफ देखते हुए और चिंतन करती है कि उसने उससे क्या कहा था, व्हाट ही हैड सेड। तो इस तरह से हम उसे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, बिकम पॉपुलर, मतलब पॉपुलर होने के लिए हम कैच ऑन का यूज़ करते हैं, लोकप्रिय होना, प्रचलित होना। जैसे कि कोई आइडियाज है, कोई कहानी है जो प्रचलित है, लोकप्रिय है, और मतलब व्याप्त है, फैली हुई है, तो उसके लिए हम कैच ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस में देखते हैं, द आइडिया ऑफ वन फैमिली वन जॉब, ये आइडिया आया था असम में, शायद ये लागू भी है, वन फैमिली वन जॉब। द आइडिया ऑफ वन फैमिली वन जॉब इज स्टिल नॉट कैच ऑन इन दिस कंट्री, यानी कि वो अभी अपनी कंट्री में प्रचलित नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है या फिर व्याप्त नहीं है, फैला नहीं है, कुछ भी का बोल सकते हैं, लेकिन कैच ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, लोकप्रिय होना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला phrasal verb देखते हैं। अगला phrasal verb है हमारा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश में लाना, उजागर करना, किसी चीज़ को रिवील करना। जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर कई सारी ऐसी न्यूज होती हैं जो दबी रहती हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं, कम टू इन लाइट, यानी प्रकाश में लाते हैं। तो प्रकाश में लाने के लिए हम ब्रिंग आउट का यूज करने वाले हैं। तो ब्रिंग आउट का हिंदी मीनिंग क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या है, कम इन टू लाइट, ये इनकी जगह इन टू करना, कम इन टू लाइट, कम टू इन लिखा है, ये गलत लिखा है, कम इन टू लाइट। टू मेक अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्लियर करना, सामने लाना, उजागर करना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट आउट, ये पास्ट की बात है इसलिए ब्रिंग आउट को ब्रॉट आउट किया है, हु ब्रॉट आउट द आइडिया ऑफ दिस बिजनेस टू माई फैमिली, ये मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे बिजनेस को
सामने लाने वाला फर्स्ट पर्सन था, तो इस तरह से हम इसे कवर करेंगे। दोस्तों इस तरह से हम सारी फ्रेजल वर्ब्स को कवर कर ही रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, आप और इस वीडियोज पर मैंने कुछ वर्ड्स क्लियर किए हैं, उन वर्ड्स को आप पढ़िएगा, और वो स्लाइड डिफरेंस के साथ मैंने सबको समझाया। जैसे स्टोरी के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं तो मैंने उन सबको समझाया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उससे फ़ायदा ये आपको ये होगा कि आप जब भी क्लोज टेस्ट करेंगे तो जो चार ऑप्शन रहेंगे उनमें आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसलिए उन सब वर्ड्स को एक बार मेरे बोलने पर आप देखिएगा। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? सहन करना, बर्दाश्त करना। जब आप किसी चीज़ को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, पुट अप विद का यूज़ कीजिएगा। जैसे कि अब आप एंड्योर का यूज़ मत कीजिएगा, आप बोलिएगा पुट अप विद। आई कांट पुट अप विद यू। आप किसी को भी बोलिए आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद योर नेचर। आई कांट टॉलरेट यू। आई कांट टॉलरेट योर नेचर। तो टॉलरेट की जगह आप पुट अप विद यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, आप इन्हें डेली लाइफ में भी यूज़ कीजिएगा, ये बोलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला फ्रेजल वर्ब देखिएगा, टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या होता है? टू कम्पीट। टू कम्पीट विद, प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम टेक ऑन का यूज़ करते हैं। किसी से आगे निकलना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई कंपटीशन होता है, कंपटीशन में आई कैन टेक ऑन यू, मतलब मैं तुमसे आगे निकल सकता हूँ, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि शी कैन टेक ऑन यू इन अ चेस, मतलब वो तुमसे चेस में आगे निकल सकती है। आई विल टेक ऑन यू इन अ गेम ऑफ चेस, मतलब मैं चेस की गेम में तुमसे आगे निकल सकता हूँ या निकलूँगा। इस तरह से हम टेक ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई सारे फ्रेजल वर्ब्स तैयार किए हैं। अब जैसा कि हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में हम सारे के सारे सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल या सीएचएसएल के, यानी कि एसएससी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल 01 यानी कि 2001 से लिया गया है। ये वहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, सीजीएल के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब होता है रूखा व्यवहार, तो मैं उसके इंसोलेंस मतलब रूखे व्यवहार को नो लॉन्गर मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अब सहन नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें आप बताइए, यहाँ पुट अप विद है, इसका मीनिंग क्या होगा? सप्रेस, एवेड, एंड्यूर या एज्यूम। सप्रेस मतलब दबाना होता है, एवेड मतलब होता है त्यागना, एंड्यूर मतलब सहन करना, एज्यूम माने होता है किसी चीज़ को मान लेना, एज्यूम करना, मेक अजम्पशन। तो यहाँ पर एंड्योर होगा, एंड्योर मतलब सहन करना। दूसरा देखिएगा, महेश विल टेक डेस्ट्रेस जॉन इन द फाइनल। ये तो अभी हमने पढ़ा है, टेक ऑन। टेक ऑन मतलब प्रतिस्पर्धा करना, किसी से आगे निकलना। तो महेश विल टेक ऑन, यहाँ पर हम टेक ऑन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत है, टेक ऑन का यूज करेंगे, इनकी जगह ऑन कीजिएगा। अगला है, द टीचर गेव मैनी एग्जाम्पल टू द आइडिया कंटेन इन द पोइम। यानी कि टीचर ने कई सारे एग्जाम्पल दिए किसके लिए, तो जो आइडिया था, जो पोइम में जो आइडिया कंटेंट था, उसको क्या करने के लिए? उजागर करने के लिए। तो इसीलिए आप क्या यूज़ करेंगे? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब जो प्रकाश में लाना, बाहर करना, रिवील करना, उजागर करना। तो टीचर ने कई सारे एग्जाम्पल दिए उस आइडिया को रिवील करने के लिए, उजागर करने के लिए, जो उसमें छुपा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कवर किए। ये भी 2003 में आया हुआ है, इससे पहले वाला सीएचएसएल 12 का है। तो इस तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल ये लिए, 2 एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे हैं, आप इनको भी कवर कीजिएगा। दे हैव हैड टू, उन्हें क्या करना पड़ा? पुट द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। स्नो के कारण उनको फुटबॉल मैच क्या करना पड़ा? शायद मैंने यहाँ पर पुट के बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पुट के साथ में हम यहाँ पर ऑफ यूज करेंगे। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, जबकि पुट आउट का मतलब होता है रद्द कर देना। तो हम रद्द नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बारिश स्नो हो रही थी, बर्फ गिर रही, तो इसलिए हम रद्द नहीं करेंगे, मतलब उसे ख़त्म नहीं करेंगे, कंप्लीट डिमिनिश नहीं करेंगे, हम उसे पोस्टपोन करेंगे। तो पोस्टपोन के लिए हम पुट ऑफ का यूज करते हैं। जबकि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जबकि और पुट अप विद का मतलब ये हमने सीखा था, पुट अप विद मतलब सहन करना होता है। तो पुट ऑन मतलब पहनना, पहनने के सेंस में नहीं होगा। We always look our parents in their old age, यानी कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो देखभाल करने के लिए हमने अभी देखा ही था कौन सा वर्ड था, लुक के साथ हम आफ्टर यूज करेंगे, लुक आफ्टर। याद कीजिए टेक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर मतलब किसी के जैसा होना, सदृश होना। अभी हमने पढ़ा था टेक आफ्टर एंड लुक आफ्टर। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने वीडियो कवर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी वीडियो वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। आप सभी के नोट्स बनाइएगा, सभी को क्लियर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है, ध्यान रखिएगा अपना और अपने आसपास वालों का, बाकी बचिएगा बीमारी से, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा पढ़ेंगे,
तो आगे रिजल्ट भी अच्छा होगा, इसलिए टाइम बेकार मत कीजिएगा, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।